नमस्कार, मैं हूं गिरीश और आप देख रहे हैं इनखबर। भारत और श्रीलंका के बीच आज दुबई इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में अंडर 19 एशिया कप के लिए फाइनल का मुकाबला खेला गया। इसमें भारतीय टीम ने एक बार फिर परचम लहराया है। आपको बता दें, भारतीय टीम ने लगातार हैट्रिक का रिकॉर्ड कायम किया है। भारतीय टीम ने आज मुकाबले में 9 विकेट से श्रीलंका को मात दी है। आपको बता दें, श्रीलंका ने 38 ओवरों में महज 106 रन का लक्ष्य भारतीय टीम को दिया था, क्योंकि दुबई में लगातार बारिश हो रही है जिसके चलते मैच मात्र 38 ओवर का हो पाया था। इसके बाद भारतीय टीम को डकवर्थ लुइस नियम के तहत 38 ओवर में मात्र 102 रनों की ज़रूरत थी, जिसे भारत की ओर से अंकृश रघुवंशी और शेख राशिद ने पूरा किया। दोनों के बीच 96 रन की पार्टनरशिप हुई और इन्होंने टीम को जीत अर्जित कराई। आपको बता दें, यह पहली बार नहीं है जब भारतीय अंडर 19 टीम ने एशिया कप अपने नाम किया हो। इससे पहले भी साल 2019-2018 में भारतीय टीम एशिया कप अपने नाम कर चुकी है और इसी जीत के साथ भारतीय अंडर 19 टीम ने एशिया कप का हैट्रिक रिकॉर्ड अपने नाम किया है। खेल जगत की तमाम नई अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए इन खबर।